जेपी नड्डा जो अभी तक भाजपा के अध्यक्ष के रूप में लोगों के बीच बने हुए थे, और नड्डा जी से पहले भाजपा के चाणक अमित शाह अध्यक्ष थे, लेकिन अब इस बार मोदी 3.0 में दोनों नेताओं को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है। एक को गृह मंत्रालय तो दूसरे को स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। अब ऐसे में लोगों को एक कंफ्यूजन बनी हुई है कि अब ये दोनों नेता तो अपना अपना मंत्रालय संभालेंगे, तो भाजपा अध्यक्ष की कमान कौन संभालेगा और भाजपा का अध्यक्ष चुनने की क्या प्रक्रिया होती है। देखिए, अगला अध्यक्ष कौन होगा नहीं होगा ये तो तभी तय होगा जब मोदी जी इटली से वापस आएंगे। अभी तो वो 13 जून से 15 जून तक G7 समिट में शामिल होने के लिए इटली जा रहे हैं। अब अध्यक्ष को चुनने का प्रोसेस कुछ ये होता है कि भाजपा के अपने संविधान की धारा 19 में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं। पहले इस पद के लिए चुनाव कराया जाता है जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय परिषद और प्रदेश परिषद के सदस्य दोनों मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, और इस अध्यक्ष पद का चुनाव पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बनाए गए नियमों के मुताबिक ही होता है। इस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए कुछ योग्यताएं भी हैं जिनको ध्यान में रखना जरूरी होता है। इस पद के उम्मीदवार की उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए, और उस उम्मीदवार का किसी दूसरे दल से जुड़ाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाजपा अध्यक्ष पार्टी का सर्वोच्च पद होता है और उस पर पूरी पार्टी की अहम जिम्मेदारी होती है। भाजपा का राष्ट्र अध्यक्ष बनने के चुनाव के लिए नामांकन दर्ज करने वाला व्यक्ति कम से कम 15 साल तक पार्टी का प्राथमिक सदस्य होना चाहिए। प्रदेश या राष्ट्र कार्यकारिणी के कम से कम 20 सदस्य अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए किसी भी व्यक्ति के नाम पर प्रस्ताव पेश कर सकते हैं, और इस प्रस्ताव पर कम से कम 5 प्रदेशों के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों की सहमति होना अनिवार्य होता है, और जो भी इस चुनाव को जीतता है और अध्यक्ष बनता है उसको अपना ये कार्यकाल 3 साल तक संभालना होता है।